छठ के अवसर पर जदयू के तरफ से भी कई जगहों पर बहुरा और बलुआ नरकदा में सैकड़ों छठव्रतियों के बीच पूजा सामग्री वितरित किया गया। जदयू के जिला अध्यक्ष अशोक शर्मा के साथ शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कन्हैया सिंह ने छठव्रतियों में पूजा सामग्री वितरित करते हुए उन्हें छठ की बधाई भी दिए। इस अवसर पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारी सरकार विकास के लिए काफी वचनबद्ध है और विकास का कार्य काफी जोरों पर चल रही है। सबसे पहले छठ महापर्व के पूरे संध्या पर मैं समस्त भोजपुर वासियों को जदयू परिवार के तरफ से बहुत सारी बधाई शुभकामनाएं कि उनका जीवन सुखमय हो, स्वस्थ हो, और मैं कामना करता हूँ कि वो हर्षोल्लास के साथ इस महापर्व को मनाए। मैं डॉक्टर कन्हैया सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, शिक्षा प्रकोष्ठ, आज हम लोगों ने बबुरा में और नगरदा बलुआ में नरकदा में हम लोगों ने फल का वितरण किया। जदयू परिवार के तरफ हम लोगों ने फल का वितरण किया, साथ साथ फल सूप का, और ये लोगों से मिलने का एक बहाना था क्योंकि जो छठ महापर्व है वो हर सभी समाज के हर व्यक्ति को, हर वर्ग को एक साथ जुड़ता है। तो हम लोग उनके साथ खुशी के साथ हम लोग अपना शेयर करने हैं कि हम लोग भी उनके साथ जुड़ के इस महापर्व में शामिल होंगे। हमारे साथ इस जिला के अध्यक्ष अशोक शर्मा जी हैं, हमारे नगर नवनियुक्त जो नगर के अध्यक्ष पुतुल जी हैं, हमारे पार्टी के सीनियर नेता उमेश बेड़िया जी हैं, प्रखंड अध्यक्ष है बड़हारा, प्रखंड अध्यक्ष है दुर्गा पटेल जी हैं, ये सब लोग यहाँ पे हैं। बोलिए अशोक जी। हम लोगों ने यह तय किया कि कुछ छठ व्रतियों के बीच प्रसाद का वितरण पार्टी स्तर से किया जाए, और उसमें भाई कन्हैया सिंह जी जो हमारे पार्टी के शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्हीं का ये सुझाव रहा और इन्हीं के तरफ से आज 2000 नारियल कलसुप और फल का वितरण बबुरा बाजार पर और बलुआ बाजार पर छठव्रतियों के बीच किया गया। इसके व्यवस्थापक वहाँ के हमारे प्रखंड अध्यक्ष दुर्गा पटेल जी रहे, जो वहाँ की लोकल व्यवस्था को उन्होंने बहुत सही ढंग से और काफ़ी संख्या में वहाँ छठव्रतियों ने जुटकर और इस महापर्व के पूर्व संध्या पर प्रसाद ग्रहण किया, और हम पूरे जनता दल यूनाइटेड परिवार के तरफ से इस लोक आस्था के महान पर्व पर इसमें प्रकृति के साक्षात देवता का को अर्घ दिया जाता है, पूजा किया जाता है। मैं कामना करता हूँ कि भोजपुर सहित पूरे देश और बिहार में सूर्य भगवान सुख शांति और समृद्धि लाएं और हमारा जिला, हमारा प्रदेश और हमारा देश काफी उन्नति करे, प्रगति करे और सारे लोग
खुशहाल हो, इसी कामना और शुभकामना देने के लिए मुख्य रूप से हम लोगों ने आप लोगों को भी आमंत्रित किया कि आप लोगों के माध्यम से यह शुभकामना पूरे जिले, पूरे प्रदेश, पूरे देश में लोगों के बीच जाए। और जैसा कि भाई कन्हैया सिंह जी ने तय किया है कि हर वर्ष जो भी छठ पर्व में हम लोग इसी तरह लोगों के बीच जाएंगे। और वैसे व्यक्ति इसमें तो गरीब और अमीर हर वर्ग का लोग इस पूजा को, चाहे हर वर्ग हर समुदाय का लोग अब तो इस पूजा को प्रमुखता से करता है, तो इस तरह का कार्यक्रम करने से बहुत से लोग करता है, हम लोग पहला व्यक्ति भी नहीं है। तो एक जो वैसा व्यक्ति जो सोचता है कि हम असहाय हैं, नहीं कर सकते हैं, उन लोगों को भी एक बल मिलता है और इस तरह का आयोजन करते रहना चाहिए। और कई पार्टियां और कई प्रतिष्ठान इस तरह का आयोजन करते रहते हैं, उसी के तहत हमारा जनता दल यूनाइटेड परिवार की तरफ से भी आज हम लोगों ने आयोजन किया है। और हम लोग आप लोगों को भी इस छठ पर्व के पूर्व संध्या पर शुभकामना देते हैं, कामना करते हैं कि आप लोग सपरिवार खुशी खुशी इस त्यौहार को मनाएं, किसी और किसी तरह की घटना और दुर्घटना रहित ये त्यौहार भोजपुर बिहार और पूरे देश में मने और जिस आस्था के साथ हम लोग उपासना करते हैं वो आस्था लोगों में दिनों पर दिन और मजबूती होती जा रही है। और हम लोग को खुशी होती है कि ये पर्व मुख्यतः बिहार का पर्व पहले माना जाता था, लेकिन आज सिर्फ बिहार के बाहर ही नहीं विदेशों में भी लोग इस पर्व को मनाते हैं। तो ये हम लोगों के लिए और बिहार के लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और विशेष तौर पर इसके बाद जो आप लोग और भी इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी लोग पूछ सकते हैं, हम लोग का बस इतना ही आपसे।